अगे कंटिन्यू कर दें पुत्र, ते लॉग दे फॉर्मूले सारे पढ़ लो, है ना, चंगी तरह फॉर्मूले याद हों, सो दैट क्वेश्चन तुहानू फिर कंफर्टेबली समझ आ जाए ना। लैट स्टार्ट। इन्हां च सिंपल आपां वैल्यू लभनी है। लैट अस सी, लॉग 9√3 बेस 1/3, राइट। ते अगेन पहला थॉट की है कि दोनों 3 दी पावर से नज़र आ रहे हैं ना, सो आ गया 3 दी पावर -1। सो 9 हो गया 3 स्क्वायर, आ हो गया 3 दी पावर 1/2। सो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, दैट इज 5/2। सो आ हो गया 3 दी पावर 5/2। और थोड़ा पता है कि आ वाली पावर आई है थे और आ दे डिनोमिनेटर, सो दैट इज 5/2 by -1, है ना, लॉग 3 बेस 3, एंड लॉग ए बेस ए पुत्र 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया, -5/2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, आते सौखा है, cos 60 1/2, sin 30 1/2, ते log a बेस a 1, राइट। अच्छा, कहना log ऑफ दिस नंबर टू द बेस 5। तो बेसिकली आ नंबर वैल्यूएट करना, तुसी ऑलरेडी यहो जी एक्सप्रेशन नु सॉल्व करना जानते हो, मैं फिर भी समझा देना, मल्टीप्लाई च होवे प्लस च होवे। तो जिदा सपोज करो आप मल्टीप्लाई चाहिए √5, √5, है ना, और नेस्टेड या किन्नी बार अप टू इनफिनिट। तो पहली गल तो अंडर रूट द आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ए जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव होएगा, तो इनू तुसी कुछ भी एक्स मान लो, ठीक है। नाउ ये सीधा सीधा लॉजिक होंगे कि हुण आ इनफिनिट टर्म चो अगर आ एक टर्म छड़ दिए, मतलब तुसी आ वाली टर्म बार वाली छड़ती, ठीक है, तो फिर इतों तुम वेखना शुरू करो, ये भी तो एक्स ही है, अंडर रूट फाइव अंदर नेस्टेड एंड सो ऑन, तो ये भी तो एक्स ही है, ठीक है। तो की हो गया, इनफिनाइट टर्म्स है अंडर रूट के अंदर नेस्टेड, तो एक टर्म छड़ती, इनफिनिट चो एक अद्धा कढ़ ली तो फर्क तो पैंदा नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन रिड्यूस टू दिस, एक्स इज इक्वल टू √5 - x एंड एक्स इज ग्रेटर दैन 0। सो बस गल खत्म, x² इज इक्वल टू, हाँ जी, 5x, क्योंकि एक्स 0 नहीं है तो कटिया गया एक्स इज इक्वल टू 5, राइट। तो आ थोड़े को एक्स इक्वल टू 5 आ गया, यदि मान लो चलो ये पहले सॉल्व कर लिया, अगर 5 आ गया तो log 5 to the base 5 आंसर 1 आ गया, ठीक है। अगर ऐदा ही समझ हो के √5 + √5 यहोजे भी कई बार होंगे सवाल एंड सो ऑन, वो भी बिल्कुल सिमिलर लॉजिक कि इनू एक्स मान लो, ठीक है। हुण ये शुरू कितों होंगे है सारी सीरीज, √5 + √5 एंड सो ऑन। तो बेसिकली आ वाली टर्म छड़ दो, आ वाली, तो इनू सिर्फ वेखो, तो आ भी तो एक्स ही है, ठीक है, √5 + √5 एंड सो ऑन अंदर अंदर, तो आ की आ जाएगा, √5 + ax आ गया। तो देयरफॉर x² इज इक्वल टू 5 + x, थोड़े को x के अंदर आ गई क्वाड्रेटिक, है ना, इस क्वाड्रेटिक दे आने दो रूट्स, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नेगेटिव रूट होएगा, एक पॉजिटिव, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दो तो पॉजिटिव वाला रूट वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तरीका। अच्छा, इनू तुसी एक होर तरीके ना भी सोच सकते जी, अगर देखो आ किन्ना आ वाले 5 दी पावर किन्नी है, उपर एक अंडर रूट है 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई होया ना बेसिकली नाल, दूजे 5 दी पावर किन्नी है, एक अंडर रूट ते आ वाला, ठीक है, मतलब एक अंडर रूट आ वाला उपर एक होर अंडर रूट मतलब एक होर 1/2 इतने, तो यदि पावर होएगी 1/2 द स्क्वायर, ठीक है। सो 5 × 1/2 द स्क्वायर इंटू आ तीजा 5 है वो 1/2 × 1/2 × 1/2 1/2³, ऐद ही 5 चली जा रहा, मल्टीप्लाई ऐदा ही हो गया, ठीक है, तुसी इनू एवें सोच लिया। सो हुण आ बे सेम है पुत्र, पावर ऐड हो जानी, सो दैट इज ½ + √2³ up to infinite, तो आ कि सीरीज बन गई, दिस इज़ अ इनफाइनाइट GP सीरीज, राइट। तो यदा सम हो गया a/(1 - common ratio) भी हाफ है, सो दैट इज इक्वल टू 1, तो आड़ी सीरीज है उपर यद आंसर 1 आ गया, तो इफेक्टिवली आंसर 5 ही आ जाएगा, ठीक है। सो दैट कैन ऑल्सो बी द वे टू डू दैट प्रॉब्लम, ठीक है।
ओके अगे आप खुद सोचो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लॉग ऑफ टेन वन इंटू लॉग ऑफ टेन टू एकदम मल्टीप्लाइड है। पहला मैं वैसे ही याद कर रहा था कि लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी का वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता। लॉग ए इंटू बी होता है इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अंदर प्रोडक्ट हो भी तां प्लस खुलता है, इज दैट क्लियर? ते हाँ जी। अच्छा चलो मैं दसदा, विच विचाले टेन 45 भी टर्म भी होनी ना, टेन वन टेन टू टेन थ्री टेन 45 विच होना। सो लॉग ऑफ टेन 45 भी इतने मल्टीप्लाई होएगा विच, टेन 45 दी वैल्यू 1 एंड लॉग 1 इज 0, तो यदि वैल्यू 0 है तो क्योंकि मल्टीप्लाई होया तो यदा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके हाँ जी। रेसिप्रोकल फॉर्मूला याद करा था, लॉग ए बेस बी इज 1 बाय लॉग बी टू द बेस ए, ठीक है। सो देयरफॉर असी इनू न्यूमिनेटर्स करके लिख लिए। उन्हें दो चीज़ों का फायदा है, एक तो इतने देखो जिहड़ा आर्गूमेंट है जब रेसिप्रोकल करांगे तो बेस बन जाएगा, उन्हें क्या होगा तिना लॉग का बेस सेम आ जाएगा, दैन इट विल बी ईजी टू सिंपलीफाई। तो इन रेसिप्रोकल करांगे तो दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस ए बी सी प्लस लॉग ऑफ बी बेस ए बी सी, समझे गल? लॉग ऑफ सी टू द बेस ए बी सी, देखो कि बेसिस सेम है, नाउ वी कैन सिंपलीफाई। फॉर्मूला लग गया, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। बेस जिहड़ा हैगा वही, ठीक है। नाउ आ दोनों बेस ते आर्गूमेंट सेम है ते लॉग दी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है पुत्र। तो दैट वॉज ईजी। अच्छा वो कहता जी आ गिवन है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज 7ab, आ प्रूव करना है। तो आई मीन दोनों तरीके ना कर सकते, या तो इनू इधर ले आइए या इनू इधर। आ तुसी वेखो एक मिनट, आ इफ यू सी आ हाफ जिहड़ा आ ए दे बाहर है ना, तो इन्हें अगर सिंपलीफाई करिए टू इधर ले जाओ, इतने आ हो गया लॉग ऑफ ए बी, ठीक है। आ टू होना दे पावर ले जाओ दोनों की पूरे दी पावर, तो दैल बी इक्वल लॉग ऑफ, हाँ जी स्क्वायर करांगे 1 बाय 9 ए प्लस बी दा होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो असी आ शो करना चाहते हैं कि आ ए बराबर हो, अगर दो नंबर दा लॉग बराबर है तो नंबर बराबर, देयरफॉर 1 बाय 9 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। आ वाला नंबर ए देन 9 इधर आ जाएगा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9ab एंड 7ab आ गए, ठीक है। जे इधरों वर्कआउट करना है तो की करो, क्योंकि इतने ए प्लस बी का स्क्वायर टाइप बनाना है तो 2ab इधर ऐड कर दो, ठीक है। अगर इधरों इधर जाना है 2ab इधर ऐड करता, समझा रही गल? हूँ नंबर दो बराबर है, फिर आप लॉग ले लेंगे, आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab, राइट। सो हूँ क्योंकि इतने नज़र आ रहा 1/3, तो 9 नीचे लियाओ, ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय 9। सो बिकॉज नंबर्स आर इक्वल लेट अस टेक नेचुरल लॉग बोथ साइड, ठीक है। सो आ गया 1/3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी, 2 नीचे उतार लो और फिर इधर ले लो, राइट। चलो ये हो गया नेक्स्ट। ओके इन्हों की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूला एक बार इतने करा की से दो सब तो इंपॉर्टेंट आगा, लॉग ऑफ ए दी पावर, अगर कोई लॉग है और अगर बेस इतने सेम है तो इतने कोई आर्गूमेंट अल्फा, तो आंसर अल्फा आ जाएगा अगर इतने 1 है। पहला दूजा सी कि ए टू द पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस सी, ठीक है। अगे 1 है तो सी नू सेम रख के ए ते बी नू घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़िया दो प्रॉपर्टी सी हैं। सो जड़ी जड़ी लगती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम बुलावे है ना। ओके पहला देखो पहला गलती नहीं कर जानी, 10 दी पावर है सारा। सो ऊपरले लेवल ते लिखा, सो बेसिकली दिस इज 10 रेज टू पावर, ठीक है। तो पहला इनू सिंपलीफाई करानी,
ठीक है, ते 10 रेस्ट पार अगेन लॉग ए प्लस लॉग बी बेस सेम है, दैट इज लॉग ऑफ ए इंटू बी एम इंटू एन टू द बेस 10। ठीक है पुत्र, तो हुण बेस ते आ सेम है ते आंसर इहदा एम एन आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट। अच्छा हुण इहनू एवें करो, अंदरों सिंपलीफाई करना शुरू करो, राइट, अंदरों इहनू सॉल्व करना शुरू करो। एक तरीका हो गया लॉग 2 ऑफ लॉग बेस 3 ऑफ, अच्छा हुण इत्थे 4 है पुत्र, तो 64 किन्ना हुंदा, ठीक है 4 दा क्यूब, तो इहनू लिख लिया लॉग ऑफ 4 रेस्ट पर 3 टू द बेस 4, तो आ 3 अगे उतार लिया, ए इत्थे आ जूगा। ठीक है, सो देयरफॉर दैट इज, आ गल समझा बेटे। हाँ, हुण लॉग 4 टू द बेस 4 किन्ना आ गया 1, तो इफेक्टिवली अंदर वाले यदि वैल्यू आ गई 3, ठीक है, सो यदि वैल्यू 3 आ गई तो वो इतने आ जाएगा। हुण लॉग 3 टू द बेस 3 किन्ना होंगे पुत्र 1, दैट इज लॉग बेस 2 ऑफ 1 एंड लॉग 1 इज 0। ठीक है, हाँ जी, इन्हें देख दिया अगेन 2 द पावर लॉग 2√2 125। अगेन ये देखिए कि आ दोनों पावर सेम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं कि आ भी 2 की पावर च आ जाऊगा, तो की करिए आ 2 की पावर लेके आ ऊपर वाला नंबर है वो तो हटा ही सकते हैं, है ना, तो आ किन्ना 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 2 की पावर 3/2, देयरफॉर आ जो बेस है पुत्र ये हो गया 2 की पावर 3/2। हुण सानू पता है कि बेस की कोई पावर है आ वाली, यदि पावर आँदी है गां, ठीक है, बेस की पावर आऊगी इतने, सो दैल बी लाइक, अगर इन्हों नीचे लेके जाइए दैल बी 1/, इतने 3/2 उपर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आ गल समझ आ गई तुहानू कि यदि जी बेस की पावर है पुत्र 1/ करके उन्होंने उपर लै गए। हुण टू अपलाई द फॉर्मूला आ बेस सेम वाला, अगे 1 चाहिए, बट अगे हुण जिहड़ा भी नंबर है उन्होंने किमें खत्म करीदा, इनू यदि पावर लै जाओ, सो 2 रेस्ट पार लॉग ऑफ 125 किन्ना हो गया 5 रेस्ट पार 3 आ पावर इतने इंटू 2/3 बेस 2, सो आ उड़ गया। ठीक है, हुण बेस सेम है, आंसर आ ही आ जाऊगा, दैट इज 5 स्क्वेयर, दैट इज 25। ठीक है, सो ये थोड़ा वेख लिया करो प्रॉब्लम है ना, मतलब इतने 3 हो, 3 की कोई पावर च हो, आप कल्ले 2 की पावर च लिख लिया, 2 जी पावर है नीचे लिया, है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट, दैट इज 2 रेस्ट पर लॉग 5 बेस 3 माइनस 5 रेस्ट पर लॉग, आके तो क्वेश्चन ही कोई नहीं, तो सीधा ही है, बिकॉज यू नो बेस सेम तो आ स्वाप कर दिए तो आ जाएगा, तो इनू आप लिख लीए 5 रेस्ट पर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस 5 रेस्ट पर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज जस्ट चेकिंग के प्रॉपर्टी आँदी या नहीं आँदी, है ना। ओके, हुण इक्वेशन सॉल्विंग ते आ जाइए, कहिंदा जी सॉल्व फॉर एक्स, तो यदा मतलब ए आपां नूं नहीं चाहिए, ठीक है, हुण आपां एक्स लिए सॉल्व करना है, तो आ क्लियरली नज़र आ रहा है, तो इहनू की लिखिए, इहनू लिख लो लॉग ए बाय लॉग 5 इंटू लॉग एक्स बाय लॉग ए इक्वल टू 2। ठीक है, सो देयरफॉर लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 5, इहनू इधर लै जाओ इंटू 2, 2 उपर लै जाओ, ठीक है, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 25। ठीक है बेटे, तो आ थोड़ा आंसर आ गया, क्लियर पुत्र, तो सौखा सी। ओके, एच देखते हैं हुण नेक्स्ट, तो ये हूँ ख्याल रखना है अगेन, पहला लॉग के अंदर नंबर है सारा, ये जो भी आंसर आएगा की होने चाहिए, x2 - 4x + 3 भी पॉजिटिव हो, है ना, आ भी पॉजिटिव हो, सो जो रूट इनू सैटिस्फाई नहीं करेगा या इन्हों नैगेटिव कर देगा और रिजेक्ट कर देंगे, राइट, तो हूँ बेस सेम है पुत्र, तो यदा मतलब आर्गूमेंट भी बराबर होने, सो x2 - 4x + 3 इज इक्वल टू 3x + 21 एंड
नाउ एक्स स्क्वायर हाँ जी कितना आ गया, -7x एंड -18 इक्वल टू 0। ठीक है, तो थोड़े को आ गया एक्स की वैल्यू 9 एंड -2। ठीक है, हुण चेक करो कि इन्हों दोनों चों कोई नंबर ऐसा तो नहीं जिन्हें इन्होंने नैगेटिव करना हो। ठीक है, जिमें -2 इतने कितना आ गया -6। या तो इनू सॉल्व भी कर लो, है ना, दो तरीके, या तो इन्होंने पूरा सॉल्व कर लो फिर देख लो किड़ा रूट इन्हों सैटिस्फाई करता, या चेक कर लो। सो 21 -6 ये पॉजिटिव ही है, सो 4 प्लस 8 प्लस 3 तो आ तो ठीक है। ठीक, एक्स की वैल्यू नैगेटिव होने सानू कोई इतराज नहीं है, सानू इतराज कि एक्स की जी वैल्यू आ वो ओवरऑल इनू नैगेटिव ना करे जो अंदर आर्गूमेंट। ठीक है, हम जो -2 असं पुट कर रहे हैं इतने तो ओवरऑल नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 चेक कर लो, ए पॉजिटिव ही आएगा। हाँ जी 81 -36 +3 हाँ जी ये भी पॉजिटिव ही है, तो मतलब ये दोनों रूट आ गए थे। ठीक है, हाँ जी आ सवाल हूँ कि कहें लॉग 3 बेस दिस इज इक्वल टू लॉग 3 बेस दिस। पहली गलते बेस दोनों जड़े है ये वो वाला एक्स रखा जिहड़ा इन्हां दोनों नू की करे, दोनों नू 0 तो वड्डा करे, एनू भी तो एनू भी, और ये दोनों हाँ जी 1 नहीं होने चाहिए। जे कोई रूट इन्हों नैगेटिव करता या 1 करता वो छड़ देंगे। ठीक है, तो आई गेस बाकी तो सीधा ही है, तुसीं रेसीप्रोकल ले लो, है ना। सो 1 बाय दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 5/3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1 बाय लॉग -1 बाय। राइट, नाउ हम क्योंकि आ नंबर बराबर है तो आ ये बराबर हो गया, बेस सेम है तो आर्गूमेंट भी सेम होने, देयरफॉर एक्स प्लस 5/3 इज इक्वल टू -1 बाय एक्स प्लस 1। सो मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वेयर एंड +6x +5 इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वेयर +6x +8 इक्वल टू 0। तो थोड़े को एक्स दियाँ वैल्यूज आ गई -4 एंड -2। ठीक है, आ दो एक्स दियाँ वैल्यूज आ गई। हुण आपां चेक कर लीए कि ये दो गल्लां इन्हां दोनों नू पॉजिटिव करे और कोई भी नंबर 1 नहीं होना चाहिए। सो चेक पहला -2 चेक कर लो, हाँ जी -5 -2 हाँ जी 3/3 1, तो इसका मतलब इन्हें गड़बड़ कर दी, बेस 1 हो गया नहीं चाहिए, तो आते वैसे रिजेक्ट हो गया। -4 चेक कर लो, 5 -4 हाँ जी 1/3 ठीक है चलूगा, पॉजिटिव भी है तो 1 भी नहीं है। -4 इतने पुट करो, -1 -4 -3 ठीक है, हाँ ठीक है, तो इट हैज़ ओनली 1 रूट एक्स इक्वल टू -4। ठीक है, आ गल का ख्याल रखना है, समझे गल, या तो फिर आप इन्होंने क्वालिटियों सॉल्व करके रख लेंगे फिर देखते दे। और जे तो इट्स ईजी टू चेक है ना, तो इस करके चेक कर ले। तो हाँ जी लुक एट दिस 81 रिस टू पार। हुण मान लो इनू सिंपलीफाई करना, तो एक तो अगर ये रेसीप्रोकल फॉर्मूला ला दिए 81 की पावर लॉग च आ जाएगी, है ना। एंड मोर ओवर जब रेसीप्रोकल फॉर्मूला लाओगे तो लॉग का बेस आ जाएगा 3, और एनू भी 3 की पावर च लिख सकते हैं, है ना। तो की करिए आप, एनू लिख लिया 81 हो गया 3/4, और आ 1 बाय हो गया लॉग ऑफ, ठीक है, 5 टू द बेस 3। आई होप अगल समझ आ गई। 81 नू लिख लिया 3/4, एनू रेसीप्रोकल फॉर्मूला, हूँ बेस सेम है बट अगे 1 नहीं है तो 4 इतने चला दो, तो ये आ जाएगा 3/ लॉग 5/4 base 3, तो यदा आंसर आ गया 5/4। ठीक है, 625 यदा आंसर आ गया। सिमिलरली आ एक्सप्रैशन ए हूँ देखो कि एनू ए बेस की टर्म्स लिख सकते हैं, बिल्कुल आ भी 3/14, आ भी 3/4, 27 किन्ना हो गया 3 का क्यूब लॉग 36, 9 किन्ना हो गया 3 का स्क्वायर। हुण क्योंकि बेस की पावर है तो बेस की पावर नीचे लियावे तो इतने आएगी। ठीक है, अगल समझ आई, यदि होंगी आर्गूमेंट की तो 3 ना मल्टीप्लाई होनी सी, यदि नीचे आ गई। हुण आ वाला सारा नंबर यदि पावर लै जाओ, सो दैट इज इक्वल टू 3/ लॉग 36 हो गया 6 का स्क्वायर
इंटू 3/2 base 3, सो 6 raised to power 3 ये आंसर आ गया। ठीक है, एंड सिमिलरली आर रेसिप्रोकल फॉर्मूला लाओ, base 3 आ जाएगा तो एनओ भी सॉल्व कर लो। ठीक है, आई गेस यू गॉट द आइडिया। ठीक है पुत्र, तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला की है कि अगर 1/ हो गए, नीचे बेस है तो उन्होंने कन्वर्ट करो, लॉग ऊपर आ जाए। ओके, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीरीज है ना, जीपी सीरीज इन्फिनिट, और सम के नारे ए अपॉन 1 - r 1/8 बाय 1/4 दैट इज 1/2। ठीक है, सो 1/4 बाय 1/2 दैट इज 1/2, तो इधर सम आ गया 1/2, राइट। तो दिस इज बेसिकली 0.5 किन्ना होंदा पुत्र, 0.5 होंदा थोड़ा हाफ, तो एक ये हाफ दी पावर आ सारा नंबर है ना, इनू टेंपरेरली अल्फा मान ली, तो एक किन्ना होगा 1 दी पावर अल्फा बाय 2 दी पावर अल्फा, दैट इज 1/2 raised to power दिस होल थिंग है ना। तो बेसिकली आ वाली चीज़ सॉल्व कर लिए, उन्होंने 1/2 दी पावर कर देंगे है ना। सो नाउ लेट अस सॉल्व फॉर दिस अल्फा, दिस इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 2 ऑफ आ सम किन्ना कढ़िया सी बेटे आपा 1/2। ठीक है, तो आई गेस दैट्स इट। तो आ किन्ना हो गया बेटे, क्या दोनों नो 2 दी पावर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। आ हो गया 2 दी पावर -1, आ हो गया 2 दी पावर 1/2। ठीक है, गलती नहीं कर रहे, बराबर नहीं है, आ है 2 दी पावर -1 और 2 दी पावर 1/2 है। तो हूँ एनू उतार लो न्यूमिनेटर च, ठीक है, एंड एनू डिनोमिनेटर च, राइट। सो दैल बी इक्वल टू माइनस, हाँ जी, 1/1/2 लॉग 2 base 2 दैट इज -2। तो अल्फा दी वैल्यू आ गई -2 है, सो साडा आंसर आ जाएगा -2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, बस ये ख्याल ना करना होंगे कि गलती ना हो जाए है ना, जल्दी जल्दी गलती नहीं करनी। ठीक है पुत्र, तो अच्छा एच फाइंड एक्स करना है। ठीक है, पहले तो वैसे ही नहीं एक्स लभ रहा, वैसे फाइंड करना हो ना आप है। ठीक है, तो एक्स लिए सॉल्व करना है, तो आ वाली एक्सप्रेशन तो यू हैव डन सो मैनी टाइम्स, राइट। तो इनू एवें कर लो याद है ना कि 3 आ 9 नू भी ना 3 दी पावर से लिख लो, सो दैट लॉग ए बेस ए 1 ला दिए, तो आ हो गया 3 का स्क्वायर है ना, और ये स्क्वायर इतने नीचे ले आओ। ठीक है, सो दिस इज लाइक आ 1 हो गया, 4 दी पावर 1/2 आ गया 2। ऐदी इनू देखते हैं 9 raised to power 4 है ना, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, वो इतने आ जाऊगा, आ 1 आ गया। ठीक है, सो हो गया 9 का स्क्वायर दैट इज 81। ठीक है, इज इक्वल टू 10 log 83 base x। ठीक है पुत्र, नाउ एक ना आ गया 83 इज इक्वल टू, ओके नाउ इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो 83 है, तो एनू तो एनू इंटरचेंज कर दिए तो ये भी 83 की पावर च आ जाऊगा ना, 83 की पावर लॉग ऑफ 10 to the base x। ठीक है, नाउ दोनों पासे बेसिस सेम है तो पावर इक्वेट कर दी। ठीक है, सो 1 = log(x)log(10)(x), सो अब 1 कद होएगा जब एक्स 10 होएगा, बिकॉज लॉग ए बेस ए 1 होंगे। ठीक है, सो x = 10। ठीक है बेटे, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक होर, जिमें सिंपल इक्वेशन कर दें, सम टाइम तुम इदा इक्वेशन इनकाउंटर करोगे f(x)^(gx) इज इक्वल टू α(x)^(β(x)। ठीक है, मतलब पावर च होएगा, तो वो की होंगे तरीका कि दोनों पासे स्टैप लिख लो, वो सिंपल है कि टेक लॉग बोथ साइड, दोनों पासे लॉग ले लो, बेस कड़ा लेना डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम च मतलब आपू जिदा की लड़ है वो हिसाब न लॉग दोनों पासे उस बेस का ले लिया। ठीक है, उन्ना की होएगा जब तुम दोनों पासे लॉग ले लोगे दैट बेस लेट्स से वट एवर सी, आ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इदी आ नीचे आ जाएगा, सो थोड़ी इक्वेशन एक
पावर तो लीनियर टाइप दी आ जाएगी, दैट कैन बी सॉल्व यू नो गिवन वट एवर डाटा इज गिवन ओदे सावना, राइट। तो याद स्टेप नोट कर लो कि एफ दी पावर जी होवे इधर भी इदा, तो यू कैन टेक दिस थिंग डाउन बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, बेस कैन बी चोजन डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, राइट। तो जिमें क्वेश्चन कुछ करते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर जेई दे पहला करा दा, जिमें गल मैं की सी हुणे हुणे, इफ यू सी तुहानू इक्वेशन दिती है 3 दी पावर x इज इक्वल टू 4 दी पावर x माइनस 1, मोर देन वन चॉइस है, एक्स पूछे है। नो क्लीयरली इतने सीधा ही है कि नीचे लिया तो लॉग ले लिए दोनों पासे। ऑप्शन देखो कि आ रहा लॉग यू नो 3 टू द बेस, लॉग 3 टू द बेस 2, है ना, ये भी है, ये भी है, एंड बेसिकली लॉग 2 टू द बेस 3 इज 1 बाय लॉग 3 टू द बेस 2। तो एवें करिए कि दोनों पासे लॉग विद बेस 2 ले लिए, है ना, समझे गल, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। सो लेट अस टेक लॉग बेस 2 बोथ साइड, नंबर बराबर है, ठीक है, तो लॉग भी बराबर है। तो नाउ एनू आ गया नीचे अभी इतने, सो देयरफॉर वी हैव एक्स लॉग 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, हाँ जी लॉग 4 टू द बेस 2, ये सिंपलीफाई हो गया, 4 हो गया 2 स्क्वायर, ये 2 अगे आ जाऊगा, आ 1 आ गया, तो एक्स इंटू लॉग 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, दिस थिंग इज 1, एक्स लिए सॉल्व करना हो गया, आ 2 परले बने लै जाओ, समझे गल बेटे, आ वाला 2 इधर लियाओ इज इक्वल टू आ एक्स इधर लै जाओ, तो एक्स की टर्म सारी एक्स कॉमन कडो, कि आएगा 2 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। सो डिनोमिनेटर्स लिख दो 2 डिवाइड बाय 2 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, ठीक है। तो आ वाला ऑप्शन करैक्ट हो गया जिसे 3 टू द बेस 2 है। हुण यू नो बाय रेसीप्रोकल उन्होंने 2 टू द बेस 3 भी लिख सकते हैं, तो चैक कर लो क्योंकि मोर दैन 1 करैक्ट सेगा यह वाला। तो यू आप लिख सकते हैं 1 बाय लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, हाँ जी टेक एलसीएम, ठीक है पुत्र, एंड हाँ जी आ इतने आऊगा तो नाले उपर जाऊगा, सो 2 लॉग 2 टू द बेस 3 बाय 2 लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस 1, ठीक है, आ वाला भी ठीक है, सो एज इट वॉज मोर देन 1, ठीक है। सो आ हो गया, बाकी लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके पहला ए रिलेटेड ही जिमें करने भी 21 एडवांस है, 2011 एडवांस है, 21 तो होने वाले, ठीक है। अच्छा एच भी देखो कि 2x दी पावर ln 2, ln 2 मतलब नेचुरल लॉग लिया उन्हें, ln 3, ए दूजी क्वेश्चन की है 3 दी पावर ln x 2 दी पावर ln y। नो कहते एक्स नॉट वाई नॉट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, मतलब एक्स वाई कोई सोल्यूशन है तो वह एक्स पूछे उन्हें, तो ये भी की करिए अगेन, हुण लैट अस टेक नैचुरल लॉग बोथ साइड, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी ln 3 ln 2 है, तो इधर भी लॉग लवेंगे तो ln 3 ln 2 आ जाएगा, तो दोनों पास नैचुरल लॉग लै लो, इधर भी तो इधर भी, तो इधर लवेंगे नैचुरल लॉग, इधर लवेंगे तो आ वाली पावर इतने नीचे ऐद ही आ नीचे, तो वी हैव ln x आ वाला इंटू ln 3 इज इक्वल टू ln y इंटू ln 2, ठीक है। तो आड़े को बेसिकली एक इक्वेशन आ गई, वेरीएबल कड़े कड़े, एक ln x तो ln y, आ तो नंबर है, तो ये चो भी विल ट्राई टू फिगर आउट कि ln x ln y अगर आ जा तो आपको क्योंकि एक्स चाहिए तो ln y की वैल्यू इतने रख देंगे, तो ln x आजगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, लेट्स टेक लॉग बोथ साइड, नैचुरल लॉग इतने भी ln, तो अगेन आ नीचे आऊगा इतने, तो ln 3 इतने आऊगा, सो ln 2 इंटू ln ऑफ 2x, वट इज ln ऑफ 2x, ln 2 प्लस ln x, इदा क्यों किया, बिकॉज आई नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ ln x ly, है ना, तो इस करके क्योंकि अपन वैल्यू ln x ते ln y की पता ना पुत्र, तो यह आ गया ln 2 प्लस ln x इज इक्वल टू, हाँ जी ln 3 अगे ln ऑफ 3y, ln 3 प्लस ln y,
नाउ इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड की करेंगे आप एदी वैल्यू एनू एल एन थ्री नू एल एन टू नू नीचे उतार लो। आ वाली वैल्यू ना चाके मैं इतने रखूंगा, पहला मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर लूँ, ठीक है। सो एल एन टू इंटू एल एन टू स्क्वायर माइनस एल एन टू इंटू एल एन एक्स एल एन थ्री इंटू एल एन थ्री स्क्वायर प्लस, हाँ जी, एल एन थ्री इंटू एल एन वाई, ठीक है। तो लेट्स सी, होना आप एवें करिए, एल एन वाई की वैल्यू आ वाली चक के इतने पुट कर देने, और एल एन एक्स वाली टर्म ना एक पास ले जाओ इधर, और एनू इधर ले जाओ, मतलब सिंपलीफाई करने हैं। एल एन टू स्क्वायर माइनस एल एन थ्री स्क्वायर इक्वल टू आ वाली माइनस वाली टर्म इधर, सो एल एन टू इंटू एल एन एक्स प्लस एल एन थ्री इंटू एल एन वाई, एल एन वाई आ पूरा खिलारा, वो कितने बराबर है, एल एन एक्स इंटू एल एन थ्री स्क्वायर बाई एल एन टू, ठीक है पुत्र, इज दैट क्लियर। ते इतने पुत्र प्लस आऊगा, तो आ वाली टर्म इधर जाऊगी तो इतने आएगा माइनस, हूँ ठीक है, राइट। हूँ आप इनू सिंपलीफाई कर लिए, राइट। तो आ देखो ना, सो आ गया एल एन टू स्क्वायर माइनस एल एन थ्री स्क्वायर इक्वल टू, सज्जे पास्यों एल एन एक्स ते एल एन एक्स कॉमन आ गया, इंटू एल एन थ्री स्क्वायर बाई एल एन टू, है ना, माइनस एल एन टू, ठीक है पुत्र। एदा भी एलसीएम ले लो, तो एदा एलसीएम लवोंगे तो ए भी एल एन टू का स्क्वायर आएगा, इतने आ जाएगा, इतने एल एन टू स्क्वायर माइनस एल एन थ्री स्क्वायर, इतने एल एन थ्री स्क्वायर माइनस एल एन टू स्क्वायर, तो इनू कट्टांगे तो माइनस वन आ जाएगा, है ना, इतों माइनस कॉमन कट के कट दो, तो कट के इधर माइनस वन आ गया, आ इधर ले जाओ, सो माइनस लॉग टू इज इक्वल टू लॉग एक्स, एनू इतने ले जाओ, एल एन ऑफ टू द पावर माइनस वन, वन बाय टू इज एल एन एक्स, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, आ थोड़ा आंसर आ जाए, ठीक है पुत्र, ओके। आ कर दें 12 एडवांस का, ओके। ये बिगनिंग कितने वो जी टाइप का ही है, हम देखो ना ये बेसिकली अगर मेरे को एस क्वांटिटी की वैल्यू आ जाए यदि ना, तो फिर तो कुछ भी नहीं पूछे उन्हें, लॉग ऑफ दिस अल्फा टू द बेस 3/2, तो आ कोई नंबर आ जाएगा सॉल्व करके, है ना, और क्लियरली ये 3/2 की पावर च या 3/2 आ जाएगा, है ना, देख लो दैट यू चेकआउट। तो हूँ इनू किमें सॉल्व करना, पहला आ कला एदी टर्म की गल करते हैं, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 √2, ठीक है, इंटू फिर अंडर रूट 4 माइनस 1/3 √2, हाँ जी, अंडर रूट 4 एंड इनफिनिट। तो अगर इनू असी एक्स मानते हैं तो कितों शुरू हो रही है सीरीज, अंडर रूट 4 तो, ते इत्थे कंप्लीट करके एक बार छड़ के, ते आ वाली जिहड़ी सारी टर्म है ये भी एक्स है, ये भी हुई है ना अंडर रूट 4 माइनस दिस एंड सो ऑन, ठीक है, एक्स कितों स्टार्ट हो रहा है, अंडर रूट 4 माइनस दिस, अंडर रूट 4 माइनस दिस, देयरफॉर अगर आ छड़ दईए तो आ भी एक्स ही है, तो वी हैव एक्स इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 √2 एंड एक्स, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग कर दो प्लस 1/3 √2 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो तुसी की करो, इनू सॉल्व करके एक्स लभ लियो, एक रूट आऊगा नैगेटिव, वो तो चाहिए नहीं क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव वाला रूट लभ लियो एक्स, है ना, वो एदी वैल्यू आ गई थोड़े को, ठीक है, इतने एक्स की वैल्यू पुट करके फिर आ सिंपलीफाई कर लियो, ठीक है, एंड सी आंसर की होता है, ठीक है। लास्ट लास्ट ईयर का एडवांस का क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ लॉग 2 to the base 9। अच्छा पहला रेसिप्रोकल लिया, देखो ना मेरी गल सुनो, अब इधर क्लियरली नज़र आ रहा है, आ नंबर जो थोड़ा नज़र आ रहा लॉग 9 to the base 2, अच्छा ये से पहला एक तो रेसिप्रोकल नज़र आ रहा, और मोर ओवर इफ यू सी आ नंबर सेम नज़र आ रहा है ना,
ठीक है। तो इफ यू सी इन्होंने टेम्परेली कुछ मान लो ले, लेट्स ए, तो दैट इज ए दी स्क्वायर लॉग ऑफ, हाँ जी व्हाट, नहीं एवे करो, इन्हों मान लिया ए, तो जो लिखा है वो लिखा है ए दी पावर 2 1 बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस 2, इन्हों छो वाले। सो देर फोर हूँ अगेन आ रेसिप्रोकल फॉर्मूला दो, ए द स्क्वायर, हाँ जी 1 बाय लॉग ए बेस 2 इज लॉग 2 टू द बेस ए, ठीक है। नाओ आए थे ले जो दैट इज ए लॉग 4 टू द बेस ए, और आ दोनों सेम है, जो मर्जी हो गया ना सेम ही है, तो इधर आंसर 4 आ गया। ये जस्ट उन्हें कन्फ्यूज कर देता है, कोई बंदा इतनी बॉन्डलाइजेशन कह दी होते पे सोची जावे बड़े सारे लॉग है, देखो ना आ नंबर तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अपन पता रेसिप्रोकल थ्योरम लावांगे तो बेस आप बन जाएगा तो गल खत्म, तो यद आंसर 4 आ गया। दिस एक्सप्रैशन इज सिंपली 4। आ भी ऐदी आ कि 7 द पावर 1 बाय 2, एनो भी रेसिप्रोकल लॉ कि हो गया 7 द लॉग ऑफ, हाँ जी 4 टू द बेस 7, अंडर रूट इतने ला जाओ दैट इज 7 लॉग 4 द अंडर रूट 2, आ दोनों सेम है, यद आंसर आ गया 2। तो यदा 4 ते 2 ते 8 आंसर आ गया इंटीजर टाइप से का, ठीक है पुत्र। ओके कुछ और करते हैं मिसलिनियस। अच्छा उन्हें देखो कि सॉल्व फॉर एक्स लॉग ऑफ 100x, व्हाट इज लॉग 1 बाय एक्स, दैट इज लॉग ऑफ एक्स द पावर -1, दैट इज -log x, सो दिस इज नथिंग बट -log x। तो गल खत्म, तो इन्हों भी लॉग एक्स की फॉर्म से लिख लो, बेस उन्हें दिता ही है नेचुरल लॉग, तो दैट इज लॉग ए इंटू बी, दैट इज लॉग 100 प्लस लॉग x है ना, ठीक है स्क्वायर, एंड इधर log 10 प्लस log x का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस log x। नाउ आई गेस इट्स प्रीटी इजी बिकॉज लॉग एक्स नू तुसी बेटे टी पुट कर लो है ना, एनू टी आ भी टी ते आ भी टी, तुहाडे को टी च इक्वेशन आ गई, एंड आ कि हो गया log 100 इज log 10 का स्क्वायर 2 log 10, सो दैट इज 2 log 10 प्लस t² एंड log 10 प्लस t² 14 माइनस t, सो स्क्वायरिंग खोल के यू हैव अ क्वाड्रेटिक इन टी, टी ले सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व द लॉग इक्वेशन लिखा कि यह है log base 4 ऑफ 2 टाइम log base 3 ऑफ, बड़ा आसान है ठीक है, base 2 ऑफ, मतलब इन्हें समझे बंदे बेले बैठे कर, log x base 1 ब्रैकेट 2 3 दूजी ते तीजी आ लिखे उन्हें, तो इन्हों एवें सोचो जिमें log 4 एस पूरे नंबर का है ना, आ पूरा नंबर सारा, इन्हों मैं अल्फा लिख ला इज इक्वल टू हाफ, तो एवें करो डेफिनेशन ला के ना हौली हौली एक एक लॉग हटाई जाओ है ना, डेफिनेशन दस्या सी लॉग किवें हटाउणा, सो 4 द पावर दिस इज इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर अगर आ लॉग चकना है तो इन्हें की आएगा 4 द पावर 1 बाय 2, मतलब 4 द अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अल्फा, यद मतलब आ वाला ग्रीन ब्रैकेट है दैट इज इक्वल टू वट, 4 द अंडर रूट विच इज 2, ठीक है समझा रही गल, मैं इतने रेज करी जा रहा हूँ, देयरफॉर आ वाली वैल्यू के बराबर आ गई 2 दे, ठीक है देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2, इतने आ गया 2, फिर 2 ना कट्टिया गया 2, ठीक है। हुण की बच गया, इनू मैं सिंपलीफाई करी देवा, सो राइट हैंड साइड पर आ गया हूँ 1। अच्छा हूँ लॉग ऑफ दिस थिंग आ वाला ग्रीन 2 द बेस 3, हाँ जी ये क्यों हो गया 3 द पावर 1 इज इक्वल टू दिस, यदा मतलब 3 हो गया, और वैसे भी log 3 टू द बेस 3 1 होंगे, सो देरफोर इतों आ गया आ नंबर जोड़ा 1 प्लस log base 2 ऑफ 1 प्लस 3 log x base 3, ठीक है इज इक्वल टू वट 3,
ठीक है, आ वन उधर ले जाओ, ते आ थ्री माइनस वन आ जाऊगा टू, ठीक है। अच्छा हूँ आ वाला लॉग खत्म करना है, कितना होगा, टू दी पावर दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर दिस नंबर विच इज वन प्लस थ्री लॉग एक्स टू द बेस थ्री इज इक्वल टू टू द स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ठीक है। देयरफॉर आ कट के कितना आ गया थ्री, आ फिर थ्री ना थ्री कट के आ गया वन, ठीक है। देयरफॉर लॉग एक्स टू द बेस थ्री इज वन, देयरफॉर एक्स इज थ्री, ठीक है, बिकॉज लॉग ए बेस ए वन होता, या एक्स थ्री द पावर वन इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है पुत्र। तो आई होप इतना क्लियर है। अच्छा पुत्र का क्वेश्चन देखियो, इनइक्वालिटी द कुछ भी बना लो, लेट्स से फाइव माइनस एक्स, लेट्स से एक्स। अच्छा हुण इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है जिस मैं बेस भी वेरिएबल करता, ठीक है। तो जिन्हें आप क्वेश्चन पहला कहते उस बेस सूँ पता सी कोई नंबर से फिक्स रेट, तो हूँ एनू कि टैकल करना, लेट मी टेल यू। पहला तरीका तो उही है कि राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है उन्होंने सेम बेस लिख लो, जिमें वन लिख लो लॉग एक्स टू द बेस एक्स। जे तो सानू पुत्र बेस पता होंगे भी एक तो व्डा है ना, या जीरो और एक दे विच है, फिर तो आप सॉल्व कर लेंगे। हूँ सानू नहीं पता तो एक्स से कुछ भी हो सकता, तो यदा मतलब आप इतने केसिस कंसिडर करा। पहला केस लै लो कि बेस एक तो व्डा है, ठीक है। तो अगर बेस एक तो व्डा है तो फिर आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। एंड दूजा केस लै लेंगे बेस जीरो और वन है, तो जीरो और वन जो कोई एक्स सैटिस्फाई कर दो रख लेंगे। तो पहला बिगिन कितों करिए, कंडीशन लाइए कि जरा लॉग डिफाइन करिए, है ना, कि फाइव माइनस एक्स जीरो तो व्डा, एक्स पाँच तो छोटा होना चाहिए, ठीक है, एंड एक्स जीरो तो व्डा होना चाहिए। चलो वो तो है गई, आ दोनों कंडीशन भी बाद चेक करनी, आज जरूर सैटिस्फाई करनी चाहिए, वो आंसर रखने हैं जोड़े जीरो और पाँच के बच्चे, ठीक है। चलो पहला केस के कहता जी बेस एक्स एक तो व्डा ले लिया, सो एस कंडीशन के अंदर आप चलन दें, ठीक है। यदा मतलब केस का जोड़ा भी आंसर आता होंगे वो यदू सैटिस्फाई करना चाहिए, मतलब उस आंसर देना कॉमन लवेंगे, राइट, जे कोई है। तो हूँ बेस एक तो व्डा लिया तो यदा मतलब साइन इनइक्वलिटी का सेम रहेगा, सो देयरफॉर फाइव माइनस एक्स इज लैस दैन इक्वल टू एक्स, राइट। सो देयरफॉर फाइव इज लैस दैन इक्वल टू टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइव बाय टू, ठीक है। तो हूँ आंसर साडा की आऊगा, आ इनू सॉल्व करके आया बट एस कंडीशन सैटिस्फाई करता, की लगता होंगे इन्होंने दोनों का कॉमन लॉ, ठीक है, एक्स एक तो व्डा, आ कहते जी एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइव बाय टू, ठीक है। तो कॉमन थोड़ा आ ही आ गया फाइव बाय टू टू इनफिनिटी, ठीक है। यदा मतलब एक तो व्डे जोड़े नंबर है ना, जिमें एक तो व्डे आ सारे रियल नंबर है, उन्होंने चो जो ढाई तो अगे नंबर है 2.5 तो व्डे, ये इनू सैटिस्फाई करूंगे, मतलब एक तो लैके 2.5 कोई भी रियल नंबर इनू सैटिस्फाई नहीं करूंगा। तो पहले केस का साडा आ आंसर आ गया, ठीक है, यदा मतलब फाइनल सोल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है। दूजा केस वो ले लो कि बेस मान लिया, ठीक है, जीरो और वन दे, ठीक है। हुण सेकंड केस ये मतलब हुण अंडर दिस कंडीशन आ सारा केस खोलेंगे, हुण क्योंकि बेस एक तो छोटा है तो साइन चेंज कर जूगा, देयरफॉर फाइव माइनस एक्स इज, ठीक है, साइन पलट गया इधर, सो फाइव इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टू एक्स, एक्स इज लैस दैन इक्वल टू फाइव बाय टू, ठीक है। तो हुण आंसर की आ गया कि बिल्कुल एस कंडीशन के अंदर सारी गलबात चल रही, तो ये और नंबर लवेंगे जिहड़े इनू सैटिस्फाई कर दे, ठीक है। सो मैं चेते करा दा, पहले चैप्टर दसे थे कि जब भी कोई केस लेने ना आप, या कंडीशन वन है इनू सॉल्व करके सोल्यूशन वन आया, इस केस का आंसर होंगे इन्होंने दोनों का कॉमन, ये थोड़ा फाइनल आंसर होंगे। इदा ही दूजी कंडीशन यदा आ वाला आंसर, तो इस केस का आंसर होएगा इन्होंने दोनों का कॉमन, कि है जीरो तो लैके वन, ठीक है, ओपन, एंड एक्स इज लैस दैन इक्वल टू फाइव बाय टू इतने, ठीक है, आ सारे तो अगेन कॉमन आ ही आ गया जीरो तो वन ओपन। तो यह मतलब पता की है, यदा मतलब जीरो तो वन के कोई भी रियल नंबर लो वो इनू वैसे ही सैटिस्फाई कर देगा, राइट। तो हम आंसर की आ गया साढ़ा, जब अलग अलग केसिस आंसर कर लेंगे हो, ठीक है, आ भी आंसर आ गया प्लस आ भी आंसर साढ़ा, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन हो गया जीरो टू वन यूनियन
फाइव बाय टू टू इन्फिनिटी, बट ख्याल रखना है कि एन भी सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन तो पहला, तो आंसर बेसिकली की बंद है 0 to 1, ठीक है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है, आवाड़ा प्लस 5/2 to इन्फिनिटी, ठीक है। हालांकि तक नजर ही आ रहा है, बट मैं चलो फिर भी ना स्टेडली समझा रहा था, 5/2 to इन्फिनिटी ए थोड़ा इन्हा दोनों ने, बट नाल दी नाल आ भी चाहिए कि नंबर 0 तो वड्डे होन एंड हाँ जी 5 तो छोटे होन, ठीक है। सो देयरफॉर आंसर आ जाएगा 0 to 1 यूनियन 5/2 to 5। सो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज 0 to 1 यूनियन 5/2 to 5, ठीक है। सो वेरिएबल बेस हो गए, दैट इज द मेथड यू कैन अडॉप्ट। चलो एक और एग्जांपल लेना, तो और क्लियर हो जाएगा। देखो कि लॉग 2x+3 बेस या एक्स स्क्वेयर लेट्स से लेस देन 1, ठीक है। नाल नाल तुसी भी ट्राई करियो खुद, है ना। तो अगेन पहला ते दोनों पासे सेम बेस कर लो। सो लॉग ऑफ, बिकॉज 1 हुंदा लॉग ए बेस है ना, बेस इधर ए है ते आ भी रख लिया, ठीक है। हुण अगेन आपां बेस वेरिएबल है, बेस दे बारे ते पता नहीं, तो अगेन वी आर गोइंग टू कंसीडर टू केसेस। उस तो पहला की लवांगे कि लॉग डिफाइन करिए कि एक्स स्क्वेयर 0 तो वड्डा चाहिए। हाँ जी, यदा सोल्यूशन की एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पुट करोगे, 0 0 तो वड्डा नहीं है, बाकी भावें नेगेटिव पुट करो भावें पॉजिटिव, वो हमेशा 0 तो वड्डा है। तो यदा सोल्यूशन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो सेकेंड की है कि भाई 2x+3 0 तो वड्डा चाहिए। चलो वो वैसे भी केसिस दे विच ही आ जाएगा, दे चलो लिख लो तो आ भी चाहिए, ठीक है। आ दोनों हुण पहला केस लै लो, कि बेस है आ वाला 1 तो वड्डा है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन 1, एंड वो कंडीशन की है 2x is greater than -2, x is greater than -1। सो अंडर दिस कंडीशन वी विल सॉल्व, मतलब जो भी आंसर आऊगा इनू सेटिस्फाई करना चाहिए। हुण बेस 1 तो वड्डा मन्ने, तो मतलब साइन जिधर है उधर ही रह जाएगा, देयरफॉर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ जाएगा x² is less than 2x+3, है ना। मैंने सॉल्व कर ली, x² -2x-3 <= 0, ठीक है। तो फैक्टर बन गए x-3 एंड x+1, ठीक है, आ गया। नाउ प्री सिंपल कर्व मेथड ला लो, तो यदा आ जाएगा इतने 0 पुट करो 3, 0 पुट करो -1, तो प्लस माइनस प्लस नेगेटिव इतने, तो यदा आ गया -1 to 3, बट नाल कंडीशन सेटिस्फाई करनी, तो -1 से 3 यदा सोल्यूशन और कंडीशन की x > -1, तो कॉमन भी यही आ गया -1 to 3। तो इस पहले केस का आंसर आ गया -1 to 3, ठीक है। बाद चाह माइनस वगैरह कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ, ठीक है। सो ए आ गया, ठीक है, समझे गल कि आ जरा 0 कढ़ना है ना, क्योंकि -1 to 3 के बच्चों का मतलब पहला भी करें सॉल्व करके बाद च कर देंगे, है ना, उन्होंने तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, हुण बाद सेकंड केस ले लो। सेकंड केस की है कि जो बेस है वो 0 और 1 लाई करे, ठीक है। तो दैट इज -3 2x-2 -3/2 x and -1, ठीक है। तो ये आ गया थोड़ा ए कंडीशन आ वाली। हुण ये अंदर बेस थोड़ा की है पुत्र 0 1 दे विच, मतलब साइन चेंज कर जाएगा, की होएगा इतने, मतलब इधर साइन ग्रेटर आ जाएगा, है ना, चेंज कर जाएगा, इधर ग्रेटर होएगा, तो ग्रेटर होगा तो यदा सोल्यूशन किया गया पॉजिटिव वाला पार्ट, समझा रही गल बेटे, मैं इतने बार बार नहीं सॉल्व कर रहा, ग्रेटर ग्रेटर तो आ वाला चाहिए, तो यदा आंसर आ जाएगा -∞ to -1 union 3 to infinity। इनू सॉल्व करके इस केस में, तो हुण की करना है, यदा सोल्यूशन की इन्हों दोनों का कॉमन ले लो। सो लेट्स टेक द कॉमन, ठीक है, -∞ to -1 ओपन है सारे, 3
320 आज जो सॉल्व करके आए, कंडीशन की सी माइनस 3/2 टू -1, सो -3/2 इतने कितने है, 3/2 टू -1 ओपन है दोनों, तो कॉमन इन्हें दोनों का बेटे इधर से कुछ नहीं है तो आही आ गया -3/2 टू -1, ठीक है, सो दैट इज -3/2 टू -1 ओपन, सो दोनों केसेस दे आंसर आ गए, तो आंसर इफेक्टिवली की होएगा दिस यूनियन दिस, उन्हें जो आ वाली चीज़ें माइनस कर देंगे, तो आंसर की आ गया -3/2 ओपन है टू -1 एंड -1 टू 3, उन्हें जो हूँ की करना है बस जीरो करना है, जीरो इतने कितने आता है माइन, देखो आ कंडीशन की है -3/2 तो वड्डा आते ठीक है, एच की ऑलरेडी नंबर जीरो छड़ के, तो ये सिर्फ जीरो कर दी आप, तो की आंसर आ जाएगा -3/2 टू -1, हम कई सारे तरीके लिख सकते हैं, या तो एवं लिख लो -3/2 टू 3 एक्सेप्ट 0 एंड -1, आ भी लिख लो -3/2 टू 3 एक्सेप्ट 0 एंड -1, ठीक है, या इन्हें एवं लिखो -3/2 टू -1 एंड यूनियन -1 टू 0 यूनियन 0 टू 3, सो इधर वे तुम लिख सकते हो, सो आ सोल्यूशन आ, सो दैट इज द मेथड अगर हाँ जी बेस वेरिएबल हो पुत्र, ठीक है, ते अच्छा लेट मी आस्क यू कि अगर मैं एवें करदा बेस में अडर करते हूँ मैं दस्यो, ठीक है लेट अस सी किन्ने अक दा दिमाग चल रहा है, बिल्कुल अगर मैं हूँ आ कह दा हूँ सॉल्व करो, हूँ मैं लॉग दे ही दिता है विद डिफरेंट बेस, हूँ की करांगे, हाँ जी हाँ बेटे कोई गल नहीं, हालांकि उदा ही करांगे, आ भी एक नंबर ही है ना, जिवें लिखा होंदा सी लॉग एक्स टू द बेस 3, मान लो इतने 2 लिख दिंदे सी आपां 1 नाल मल्टीप्लाई करते सी ना, तो 1 नूं फिर लिखते सी लॉग 3/3, या नंबर है इतने 2 सी, इतने आ नंबर है की प्रॉब्लम है, बिल्कुल एवें करो ठीक है, इन्हों लिखो लॉग 3 टू द बेस 3 है ना, आ नंबर नूं टेंपरेरली के मान लो, आ फिर इतने आ जाएगा 3 की पावर k, सो लॉग x/3 इज लैस दैन इक्वल टू लॉग 3 की पावर k, लास्ट के पुट कर देंगे है ना, आंसर यदि टर्म च आ जाएगा, देखो सम टाइम ये बंदलाइजेशन हो जाती है, तो होना ही नहीं है, तो 3 है तो 4 है ना, तो और हम लॉग डिफाइन करो x 0 तो वड्डा हो एंड क्योंकि बेस 1 तो वड्डा है पुत्र, साइन सेम रहेगा, तो की हो गया x 3 पर k तो छोटा तो 0 तो वड्डा, तो आंसर आ गया, सो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 0 टू 3 की पावर k, k की है दिस थिंग लॉग 5 टू द बेस 4, ठीक एंड दिस इज डार्क इक्वल टू है ना, अभी इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है, तो आंसर आ गया बेटे, ठीक है, आई होप इतना क्लियर है पुत्र।